Hello everyone, as I promised, I will explain you this particular question. So here I am. Our question number 4 of 2010 IITJM question paper is: the pitch of a fold axis on an axial plane dipping at a 45 degrees 88 degree. The fold is. देखो ये बहुत ही आसान और tricky question है. जिनके basic concepts clear होंगे उनको ये बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जिनके basic concepts clear नहीं होंगे उनको थोड़ी सी problem आ सकती है. मैंने already आपको फोल्ड के बेसिक टर्म्स के बारे में बताया है कि फोल्ड एक्सिस को मैंने डिफाइन किया था, एक्सियल प्लेन को, एक्सियल सरफेस को, हिंज को, हिंज प्लेन को, ये सब मैंने आपको 2007 के क्वेश्चन पेपर में बताया है. तो अगर आपको वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जाके वापस आप उसे देख सकते हो. वहाँ मैंने बहुत ही बेसिक टर्म को बहुत ही आसान और इजी वे में आपको समझाया था. आई होप अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये याद होगा. सबसे पहले देखते हैं हम कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है. तो एक्सियल प्लेन का डिप क्या दिया हुआ है? एक्सियल प्लेन इज डिपिंग 45 डिग्री. ओके, द पिच इज 88 डिग्री, ये दिया हुआ है और हमें फोल्ड पूछ रहा है कि कौन सा होगा. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको फ्लूटी डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आइए उसे हम एक बार रिकॉल करते हैं. अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो यहाँ से आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो एक्सियल प्लेन की डिपिंग 45 डिग्री है. ओके, और यहाँ पे क्या होता है? एक्सियल सरफेस होता है. तो मैंने आपको एक्सियल सरफेस और एक्सियल प्लेन के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है और दोनों कब सेम होते हैं वो भी बताया हुआ है. तो अभी हम मान रहे हैं कि एक्सियल सरफेस जो है एक्सियल प्लेन पे कॉन्साइन कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा? देखो अगर ये 45 डिग्री है तो क्या होगा? ये वर्टिकल फोल्ड तो होगा नहीं. ओके, रिकमेंड भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसके लिए वर्टिकल चाहिए एक्सियल सरफेस जो है. ओके, अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, इंक्लाइन फोल्ड एंड रिक्लाइन फोल्ड. अब कंफ्यूजन इन्हीं दोनों के बीच में होगा. यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे? तुक्का लगाएंगे जिनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि फ्लूटी डायग्राम अगर उनको याद भी होगा तो यहाँ क्या दिया होता है? हमें प्लंज दिया होता है, बट यहाँ क्या है? पिच दिया होता है. अब पिच और प्लंज में क्या डिफरेंस होता है वो हम पहले देखते हैं, फिर हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा. तो ऑरियंटेशन ऑफ अ लीनियर स्ट्रक्चर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पिच और प्लंज. जो कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है उनका ऑरियंटेशन हम पिच और प्लंज के टर्म में मेजर करते हैं. अब लीनियर स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या क्या होते हैं, लीनिएशन, फोलिएशन. अगर फोल्ड के केस में बात करें तो ओवरऑल फोल्ड जो है वो प्लानर स्ट्रक्चर है, बट फोल्ड एक्सिस की बात करें दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर. अब प्लंज का डेफिनेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल इन अ वर्टिकल प्लेन. चलो ये कोई लाइन है, अब इसका हम मेजर करेंगे एंगल वर्टिकल प्लेन में. ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, आप हॉरिजॉन्टल कहीं भी ले सकते हो इस प्लेन पे, यहाँ भी ले सकते हो. तो ये एंगल और ये एंगल क्या बताएगा आपको? ये आपको देगा प्लंज, है ना. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वर्टिकल प्लेन है. नाउ पिच द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन मेजर एज एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन अ स्पेसिफाइड नॉन वर्टिकल प्लेन. तो डिफरेंस क्या है यहाँ कि ये एंगल तो बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ ही, बट इट इज इन स्पेसिफाइड नॉन वर्टिकल प्लेन. तो अब उसी लाइन का हम मेजर करेंगे एक नॉन वर्टिकल प्लेन में. ये क्या है? नॉन वर्टिकल प्लेन है. तो अब यहां से हॉरिजॉन्टल जो भी होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो ये एंगल या ये एंगल, ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा आपको पिच. डिफरेंस क्या है? प्लंज की बात करते हैं वो वर्टिकल प्लेन में मेजर होता है, और जब हम पिच की बात करते हैं वो स्पेसिफाइड नॉन वर्टिकल प्लेन. क्वेश्चन में दिया हुआ है फोल्ड एक्सिस, हमें फोल्ड एक्सिस के टर्म में पिच और प्लंज को डिफाइन करना है. तो आइए हम कुछ डायग्राम देखते हैं. अब ये एक फोल्ड है, क्योंकि फोल्ड एक्सिस जो है, पर्टिकुलरली फोल्ड एक्सिस एक लीनियर स्ट्रक्चर है, तो हम इसका मेजर करेंगे पिच एंड प्लंज. अभी इस डायग्राम में देखो तो ये क्या है? नॉन वर्टिकल प्लेन है. तो अब ये जो फोल्ड एक्सिस है, ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ, वो क्या देगा हमें? वो देगा हमें पिच. ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं. इस डायग्राम में क्या है? सिमिलरली ये ग्रीन वाला जो है ये नॉन वर्टिकल है, नॉन वर्टिकल है. दिस रेड वन इज वर्टिकल. अब सेम फोल्ड एक्सिस इस वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल देगा वो क्या होगा? वो होगा आपका प्लंज. अगेन हम कह सकते हैं अगर इसका प्लंज है तो पिच होगा, और पिच है तो प्लंज होगा, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेन में मेजर करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टर्म. आई होप आपको बेसिक टर्म पिच एंड प्लंज के बारे में पता चल गया होगा. अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या है. अब देखो अब कितना आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए. Pitch of a fold axis on an axial plane dipping at a 45 degree is 88 degree. The fold is. तो अब क्या है कि 88 degree उसका pitch दिया हुआ है, तो इसका plunge भी होगा कुछ.
है ना, अगर हमें पता चल गया यहां से प्लंज भी है तो वर्टिकल फोल्ड नहीं होगा, इंक्लाइन फोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि देखो लुटी डायग्राम एक बार फिर से याद करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो देखो इन केस ऑफ इंक्लाइंड जो फोल्ड होता है उसमें क्या होता है, इसकी डिपिंग तो होती है फोल्ड एक्सिस की, बट इसमें प्लंज नहीं होता। यहां पे क्या है, प्लंज इज 0 degree, इस पे इस लाइन पे प्लंज क्या है, 0 degree है, तो यहां पे प्लंज नहीं होता इंक्लाइन के केस में। अब ये रहा रिक्लाइन फोल्ड, अब यहां पे आओ तो देखो फोल्ड एक्सिस भी इंक्लाइंड है और यहां पे प्लंज भी है हमारा कुछ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा रिक्लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कितना आसान था ये। सो चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज कम बैक अगेन।